चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। आपको कि हमने पिछले क्लास में 10th ज्योग्राफी के इकाई 2 का अधिकांश पॉइंट पढ़ा चुके थे और आज हम शेष पॉइंट पढ़ाएंगे। मेरे भाई आज का पॉइंट होगा आपका कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। लिख लीजिए, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कोमा रोजगार कोमा उत्पादन में योगदान। एक बार पेन नीचे रखिए। हम लोग क्या पढ़ेंगे? कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार, उत्पादन में योगदान। अर्थात इतने चीज, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में कृषि का क्या योगदान है वो पढ़ेंगे। तो मेरे भाई मैं एक चीज आप लोग को संक्षेप में बता दूं कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की भूमि, यहाँ की जलवायु और यहाँ के लोग, ये तीनों कृषि के लिए अनुकूलित है। अतः यहाँ कृषि का काम अधिक होता है। और फिर जब कृषि का काम अधिक होता है तो चाहे वह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात हो, रोजगार की बात हो, उत्पादन की बात हो या अन्य क्षेत्र की बात हो, सभी में कृषि का योगदान अधिक से अधिक रहता है। लेकिन आज हम आपको पढ़ाएंगे इन तीनों चीज, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, रोजगार में और उत्पादन में कृषि का क्या योगदान है। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार मार के लिख लीजिए, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान। अब मेरे भाई एक बार सुन लीजिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, मेरे भाई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का तात्पर्य देश की अर्थव्यवस्था से है। और देश की अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ कि किसी भी देश की जो धन दौलत कमाने वाला जो सिस्टम है, व्यवस्था है, वही उसकी अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे मैं थोड़ा सा उदाहरण दूं कि आप अपने परिवार में देखिए कि आपके परिवार में जो पैसा आता है, रुपया जो आता है, वह किस किस तरह से आता है। तो वह जिस जिस तरह से पैसा आता है, वह आपके रुपया पैसा आने का सिस्टम हो गया, व्यवस्था हो गया। तो आप देखिएगा कि खेती से भी आता है, आप दुकान किए तो दुकान से भी आता है, नौकरी से भी आता है, अलग अलग काम से भी आ रहा है, व्यापार से भी आता है। तो आप देखिएगा कि आपके यहाँ जो रुपया पैसा हो रहा है तो उसमें सबसे अधिक किसका योगदान है, अपने डाटा निकाल के देख सकते हैं। इसी तरह से पूरे देश में देखा गया है कि भारत में जो रुपया पैसा धन दौलत जो इकट्ठा हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो उसमें सब बहुत क्षेत्र से आता है आमदनी, लेकिन सबसे अधिक किससे आता है मैं बता दूं मेरे भाई, भारत में सबसे अधिक आमदनी कृषि से होता है। मैं थोड़ा सा एक छोटा डाटा दूं, पिछले दशक में, आज से मोटा मोटी 10 वर्ष पहले, भारतीय अर्थव्यवस्था में 24% अकेले कृषि का योगदान रहता था। हाँ, वर्तमान में घट गया है, 18 के आसपास चल गया है, क्योंकि सेवा क्षेत्र का थोड़ा विकास हो रहा है और ये कृषि भूमि में थोड़ा सा जहां कमी आ रही है वहीं पर कृषि पर थोड़ा सा ध्यान कम दिया जा रहा है, तो इसलिए इसमें कमी आया है, लेकिन फिर भी 18% बहुत मायने रखता है। तो शायद कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या भारत की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है वो आपने शायद समझ गए होंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, भारत कृषि प्रधान देश है, अतः यहां अन्य क्षेत्र के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी कृषि का योगदान अधिक रहा है। पिछले दशक में
24% कृषि का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में था, लेकिन वर्तमान दशक में इसका प्रतिशत कम हुआ है। तो इस तरह से आपने कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान था उसको आपने संक्षेप में समझ गए। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसी में ये चलिए तो अच्छी बात है। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि कृषि का रोजगार में क्या योगदान है। थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोग को कि रोजगार के क्षेत्र में भी कृषि का योगदान काफी अधिक है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की अधिकांश लोग कृषि में लगे हुए हैं। भारत के अधिकांश लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर है। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा डाटा बता दूं, यहाँ के लगभग 67% लोग प्रत्यक्ष रूप से कृषि से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, और इसके बाद कृषि से संबंधित जो उद्योग होते हैं उससे भी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। अर्थात सीधा सीधी कह दें कि भारत के अधिकांश लोग को रोजगार कृषि दे रही है, इसमें कहीं गलती नहीं होगा। तो शायद आप कृषि का रोजगार क्षेत्र में क्या योगदान है समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कीजिए, भारत में कृषि रोजगार का भी एक प्रमुख साधन है। यहां लगभग 67% लोगों को प्रत्यक्ष रूप से कृषि से रोजगार मिल रहा है। इसके अतिरिक्त कृषि पर आधारित उद्योगों जैसे चमड़ा उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, कुटीर एवं लघु उद्योग आदि से भी लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने कृषि का रोजगार उत्पन्न करने में क्या योगदान है उसको आपने समझ लिया। अब लास्ट है उत्पादन के क्षेत्र में, लिख लीजिए स्टार्ट। कृषि का उत्पादन में योगदान, थोड़ा सा एक बार सुन लीजिए, ये उत्पादन क्या होता है मेरे भाई? उत्पादन का मतलब होता है कोई नया चीज तैयार करना। अर्थात जब हम गेहूं उपजाते हैं तो उपजाने की क्रिया भी उत्पादन कहलाएगा। जब हम कोई चीज बनाते हैं फैक्ट्री में तो बनाने की क्रिया भी उत्पादन कहलाएगा। तो कह रहा है कि कृषि उपजाने या किसी चीज को बनाने में कितना योगदान दे रहा है। तो मैं बच्चे बता दूं आप लोग को कि भारत में किस विशाल जनसंख्या कि उदर की पूर्ति अर्थात पेट में जो भोजन होता है उसकी पूर्ति कौन कर रहा है? भारतीय कृषि क्षेत्र कर रहा है। साथ ही भारत के अधिकांश उद्योग को भी कच्चा माल कृषि प्रदान कर रही है। और इन से दो क्षेत्र पर अगर आप देखिएगा तो आप स्पष्ट हो जाएगा कि कृषि का उत्पादन में कितना योगदान है। तो शायद समझ गए आप कि कृषि का उत्पादन में कितना योगदान। चलिए आप इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कृषि उत्पादन का भी मुख्य साधन है, जहां इस क्षेत्र से भारत की विशाल जनसंख्या के लिए अन्न का उत्पादन किया जाता है, वहीं इससे उद्योग में भी कई उपयोगी वस्तु बनाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार,
उत्पादन में क्या योगदान है उसको समझ गए होंगे और लिख भी लिए होंगे। फिर भी अगर इसमें या इसको लेकर कोई भी डॉट आपके मन में है तो आप पूछ सकते हैं। सर, भारत में जो कृषि से उपज होता है दूसरे देश में भी हो जाता है? जी जी, यहाँ से निर्यात भी होती है और भारत में जो विदेशी मुद्रा आ रही है उसमें सबसे अधिक योगदान कृषि का ही है। चलिए, तो अच्छी बात है कि आप लोग को इसमें किसी भी तरह का डाउट नहीं था, थोड़ा बहुत था जिसको मैंने सुलझा दिया। अब मैं आपको बता दूं कि अगले पॉइंट भी आज हम नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा था। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं।